Assalamualaikum, क्या हाल चाल है। आई होप यू आर वेरी वेल। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ नगमा असलम। तो आज मैं आप लोगों के साथ सेव मनी की थोड़ी सी आइडियाज़ वगैरह दूंगी। उससे पहले आप ये रेसिपी पूरी देख लें और वीडियो में लास्ट तक के बने रहें बिना स्किप किए। और रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। 400 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली हूँ, उसे स्ट्रिप में कट कर ली हूँ। और इसमें अब ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्चों का पाउडर। इसे मैरिनेट होने के लिए मिक्स करके अच्छे से रख देंगे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे के लिए, जितना भी आपके पास टाइम हो। तो चिकन मैरिनेट हो चुका है और एक तरफ मैंने राइस बॉईल करने के लिए पानी गर्म होने रख दी हूँ और यहाँ पर जो है चिकन को गला लेंगे। तो अब पैन में हमें ऑयल डालना है और चिकन हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट भून लेना है। उसके बाद ढक कर लो फ्लेम पर कुक करेंगे। चिकन जो है पूरी तरह से गल चुका है। अब इसके जो पानी है हमें स्टॉक इसका निकाल लेना है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और उसके बाद एक दो मिनट चिकन को बस भून लेना है। चिकन को मैंने भून कर निकाल ली हूँ और एक तरफ जो है उसका पानी भी बॉयल हो चुका था, तो उसमें राइस भी ऐड कर दी हूँ। राइस में मैंने थोड़ा सा लेमन जूस, ऑयल और नमक ऐड की हूँ। और यहाँ पर पैन पे ऑयल ली हूँ, थोड़ा सा लहसुन ली हूँ चॉप किए हुए, उसे थोड़ा सा सॉटे होने देंगे। उसके बाद अनियन एंड शिमला मिर्ची दोनों को हाई फ्लेम पर बस सॉफ्ट कर लेना है। प्याज और शिमला मिर्ची सॉफ्ट हो चुके हैं, उसका कच्चापन चला गया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे शेजवान चटनी। चटनी आपकी कितनी तीखी है, आपको कितना तीखा पसंद है उस हिसाब से ऐड करें। उसके बाद मैंने ऐड की रेड चिली सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सा वेनेगर ऐड करेंगे और टमाटो केचप ऐड करेंगे। अब इसे 30 सेकेंड्स के लिए भून लेना है। उसके बाद जो हमने चिकन स्टॉक निकाला था वो भी ऐड कर देंगे और इसे बस एक बार पक लेने देंगे। थोड़ा सा इसमें पकना शुरू हो जाएगा तो हम चिकन ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर पानी में घोल कर और फटाफट से इसे मिक्स कर लेंगे और इसकी फ्लेम को जब बंद कर देंगे। अब एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। और एक अंडा ली हूँ मैंने, उसके अंदर ना 2 टेबलस्पून दूध डालकर ना फेंट ली हूँ। इससे क्या हमारे एग जो है ऑमलेट ना एकदम फ्लफी बनेंगे। तो यहाँ पर ऑमलेट को मैंने फ्राई भी कर ली हूँ और इसमें मैंने शिमला मिर्ची एक स्मॉल साइज़ की है और आप जितनी भी बड़ी साइज़ की डालना चाहते हैं ले सकते हैं। इसी के साथ प्याज और स्वीट कॉर्न तीनों को ले ली हूँ मैंने। अब अच्छे से हाई फ्लेम पर इसे भूनना है, थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। देखिए अच्छे से ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी है। अब जो मैंने राइस बॉईल किया था वो उठा के ऐड कर देंगे। इसी के साथ मैंने हरे प्याज की पत्तियां ऐड की हूँ और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पर। और अच्छे से नीचे से चम्मच हिलाते हुए हमें मिक्स करना है, वरना जो हमारे चावल अखे हैं वो सारे टूट जाएंगे। थोड़ा सा वेनेगर भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अहमद को जो है खाना था पिज़्ज़ा और हमारे घर पे अगर पिज़्ज़े की रोटी रखी हो ना तो आराम से हम बना सकते हैं। मार्केट पे कितना महंगा मिलता है, 1 किलो आटे में आप ढेर सारे पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं और मार्केट में आपको 2 मिल जाएंगे 30 रुपीज़ में। तो 35 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में 1 किलो आटा लेके आप ढेर सारा बेस बना कर रख सकते हैं। तो बस मैंने 1 किलोग्राम आटा लिया है, उसके अंदर शुगर, सॉल्ट और ऑयल, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और दही ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और लूक वॉर्म वाटर से अच्छे से गून लेंगे, सॉफ्ट गून कर रेडी करेंगे। अब इसे 30 से 40 मिनट हमें रेस्ट देना है, उसके बाद फिर 2-5 मिनट के लिए गून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वापस से इसे गून ली हूँ। अब इसकी आप चाहे तो रोटियाँ बना बना कर स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको 2 पिज़्ज़ा खाने होंगे तो उसके 200 रुपया प्लस डिलीवरी चार्ज 250 रुपया एक जन को। अगर 2 पिज़्ज़ा खाना है तो ये हो जाएगा। अगर यही पिज़्ज़ा आप घर पर बनाते हैं तो आपको बहुत ही कम बजट में आपका पूरी फैमिली खा सकती है। और अगर बेस भी आप घर पर ही बनाते तो और ही अच्छा और ही सस्ते में हो जाएगा। इसी तरह से आप जब ग्रोसरीज़ वगैरह खरीदें तो ऑफ़र जहाँ लगते हैं, अब तो सब जगह पर बड़ी बड़ी डी मार्ट्स मॉल में सब जगह ऑफ़र लगते हैं, ऐसी जगह से ग्रोसरीज़ खरीदें जहाँ पर ऑफ़र हो और आपको सस्ते में मिले। और जो भी चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं उनकी पहले आप लिस्ट बना लें, वरना हम
सामान लेने जाते हैं, कुछ और आता है, कुछ और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम भूल जाते हैं, ले नहीं पाते हैं। तो अगर आपके पास लिस्ट होगी तो पहले जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो आएंगी, और ऐसी चीज़ें आप बल्क क्वांटिटी में ले सकते हैं जो सस्ती हो, जैसे कि डिटर्जेंट वगैरह हो गए, या फिर राइस, दाल और गेहूं वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, और ये सारी चीज़ें स्टोर करके आप लंबे समय तक खा सकते हैं। और अब तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हो चुकी है कि मोबाइल ऐप पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं घर बैठे। तो यहाँ पर मैंने ना ऑनलाइन पर ही देखी थी, ये जियो मार्ट में मुझे 180 का 1 kg चायपत्ती मिला है, और वही आपने डी मार्ट वगैरह में देखेंगे तो 250-300 इस तरह का 1 kg का रहेगा। तो कभी कभी जो है ऑफ़र लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं जियो मार्ट वगैरह से भी मंगा लेती हूँ, या और भी बहुत सारे ऐप हैं जिसमें आपको पसंद है उधर से मंगा सकते हैं। और ऐसी चीज़ें हैं जो बल्क क्वांटिटी में ना लें, जैसे कि सब्ज़ियाँ वगैरह होती है हमें ऑफ़र में मिलती हैं तो ना लें, आप एक तरह से भी पैसे बचा सकते हैं। सब्ज़ियों पर आप एक तरीके से पैसे बचा सकते हैं कि आप सब्ज़ी लेने जाएं तो दो फैमिली मिलकर सब्ज़ी लेने जाएं किसी दूसरे के साथ, तो कोई भी चीज़ है ना, हम मार्केट में जब जाएंगे ना तो 20 rupees का 1 और 30 rupees का 2 मिलता है। तो जब भी हमको एक ही की ज़रूरत होती है तो हम दो ले लें, एक एक आधा आधा ले लें, इससे आपका पैसा भी बच जाएगा और चीज़ें आपकी वेस्ट भी नहीं होगी। अगर हम ऐसी चीज़ें बल्क क्वांटिटी में ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं, तो ये हमें संभालना भी बहुत पड़ता है, और कभी कभी जो है ख़राब भी होने लग जाती है, यूज़ में नहीं, इस्तेमाल में उतनी नहीं आ पाती है। और ये देखिए पुदीने का बंच इतना बड़ा है, ये 10 rupees का है। अब ये हम क्या करेंगे, 10 rupees का मिला है तो उसे फेंक भी तो नहीं सकते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बंच है 10 rupees का है। तो अगर आप दो लोग रहेंगे तो पुदीने को हम 1 week के लिए आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, तो आपको ये 5 rupees का पड़ेगा, और आपका पैसा भी बचेगा। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में आप अपने पैसे बचा सकते हैं, आप वीकली और मंथली हर चीज़ में अपना पैसा बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वीकली अपना 1 week का पूरा सामान लेकर आई हूँ, सब्ज़ियाँ वगैरह, उसी के साथ मैंने मटन वगैरह भी ले ली हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो आप साथ में लेंगे ना किसी के भी, तो आपका पैसा बच जाएगा। और यहाँ पर मैंने ना मटन लाई थी तो बस उसे गलने रख दे रही हूँ, कीमा गलाने रख दे रही हूँ, और गोश्त को तो मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दी हूँ, जब वो बनाना होगा तो ऑन द स्पॉट उस वक्त गला लेंगे। अब सुबह में मुझे सब्ज़ी बनानी है तो उसके लिए मैं इस वक्त कीमा गला कर रख दे रही हूँ, तो इससे भी हमारे कुकिंग में आसानी भी आ जाएगी। और वीडियो का कोई भी पार्ट्स अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, और अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं या कोई टिप्स चाहते हैं तो उस बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं वो भी आप बता सकते हैं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट्स पसंद आया हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, और चले हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।